कटनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डॉक्टर ने पहले नवजात बच्चे को मृत बताया, फिर अस्पताल से फोन करके कहा बच्चा तो जिंदा है। पूरा मामला सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कटनी के जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5 सितंबर को निजी हॉस्पिटल में जन्मे एक बच्चे को जिला अस्पताल के शिशु विभाग के आईसीयू में रखा गया था। 5 दिनों के बाद बच्चे की मौत हो गई। मृत शिशु का शव पोस्टमार्टम कर उसके पिता श्रीकांत कुशवाहा को सौंप दिया गया। जब पिता अपने बच्चे का दाह संस्कार कर घर लौटा तो अचानक उसके पास अस्पताल से फोन आया। फोन में कहा गया कि वो जल्दी से अस्पताल पहुंचे क्योंकि उनके बच्चे को दूध पिलाना है और इंजेक्शन लगाना है। ये सुनकर श्रीकांत कुशवाहा दंग रह गया। बार बार फोन आने पर जब वो अस्पताल पहुंचा तो जिला अस्पताल के अधिकारी और डॉक्टर ने कहा कि गलती से फोन चला गया। अब श्रीकांत कुशवाहा ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन यशवंत वर्मा अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। करीबन 9:43 में अस्पताल से फोन जाता है कि आपका बच्चा यहाँ पर भर्ती है, दूध पिलाना है, माँ का दूध पिलाना है और इंजेक्शन लगाना है, आप जल्दी आइए। तो हम लोग शौक खा गए कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, जबकि हमको मृत बच्चा दे दिया गया है, अब वहाँ से हमारे पास क्यों फ़ोन आ रहा है। तो मैंने उस बात को थोड़ा सा गद कर दिया कि शायद धोखा से लग गया होगा फ़ोन। उसके बाद रात में मेरे पास 2 बार फ़ोन आया कि आपका बच्चा यहाँ भर्ती है और दूध देना है और इंजेक्शन लगना है, आप यहाँ आइए। तो फिर मैं सुबह टाइम यहाँ पर आया तो डिपार्टमेंट बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, गार्ड ने फ़ोन लगा दिया। गार्ड बोलता है कि जब तक हमको अंदर से अनुमति नहीं मिलती तब तक हम फ़ोन नहीं लगाते, जबकि गार्ड को फंसाया जा रहा है। जहाँ तक मेरे हिसाब से मुझको ये प्रकरण अभी कुछ देर पहले SNCU इंचार्ज से जानकारी प्राप्त हुई है दूरभाष पर। तो बच्चा आया था, बच्चे की डेथ हुई थी। और क्या होता है कि हम लोग जो फाइलें हैं डिस्चार्ज बच्चों की, उसको देख के बच्चों को जो फॉलो अप रहता है, उसको कोई इंजेक्शन या दवाई देना है तो उसके लिए कॉल करके बुलाते हैं। तो किसी स्टाफ ने कन्फ्यूज़न के तहत उसके पेरेंट्स को गलती से फ़ोन किया है। इसमें अस्पताल की तरफ से कोई यानी गड़बड़ी नहीं है, बच्चा की दुखद मृत्यु हुई है, ये सच है। ये आवेदक श्रीकांत कुशवाहा भी थाने उपस्थित हुआ है और आवेदन पत्र दिया है कि जिला चिकित्सालय में उसके नवजात शिशु के संबंध में जो है इलाज में गड़बड़ी एवं बच्चा बदलने के संबंध में एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि पहले मेरा बच्चा भर्ती था, उसके बाद में मृत घोषित कर दी बताया गया, फिर उसके बाद में बताया गया कि आपका बच्चा इंजेक्शन लगना है तो आपका बच्चा ले जाइए। तो ऐसी सारा आवेदन पत्र दिया है जिसकी गंभीरता को देखते हुए जिसकी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे अवगत कराया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।